सेंधवा। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के मजदूरों का मध्य प्रदेश की सीमा बिजासन में आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज रीवा की गर्भवती महिला रितु महाराष्ट्र परिवहन की बस में बैठकर बिजासन बॉर्डर पर आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में ही प्रसव पीड़ा होने पर महिला ने बस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बिजासन बॉर्डर पर पहुंचने पर एसडीएम घनश्याम धनगर को जानकारी लगने पर उन्होंने तुरंत अपने वाहन से बिना देर किए महिला को सिविल अस्पताल सेंधवा भिजवाया, जहां महिला और बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बीएमओ डॉक्टर ओएस कनेल ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। महिला का यह पहला प्रसव था। एसडीएम साहब द्वारा बताया गया था कि भवरगढ़ में जो बस आई थी महाराष्ट्र गुजरात से, तो उसमें एक महिला जो प्रेगनेंसी थी गर्भावस्था में, तो उसको बस में डिलीवरी हो गई है। जिसको डिलीवरी होने के बाद मतलब बच्चा और जच्चा दोनों को यहाँ लाए गए अस्पताल में। दोनों स्वस्थ है। बच्चे का वजन 2 किलो 400 ग्राम है, जो मेल है स्वस्थ है, और महिला रितु पति सोनू निवासी रीवा के किसी गांव के हैं, जो कि स्वस्थ है और पहला बच्चा।